दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे एम्प्टी प्रोडक्ट्स मैं आज पहली बार अपने चैनल में करने वाली हूँ, एम्प्टीज वीडियो। सो द रीज़न मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हूँ इनटू मेकअप ब्यूटी बिजनेस, मेकअप रिव्यूज़ करती हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ चीज़ें, और इतनी सारी जो वो जमा हो जाती है और फिर उस इस्तेमाल करने के बाद में जब वो फेंकने में जाती है, तो मैंने सोचा मैं प्रोडक्ट एम्प्टीज जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उन्हें भी शेयर करूँ, और आगे से हो सके तो मैं इंडिविजुअली जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं एम्प्टी करने से पहले उनका रिव्यू मैं आप सभी से शेयर कर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट एम्प्टीज़ हैं, और इन शॉर्ट मैं थोड़ा थोड़ा इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी आपको। एंड आई एम श्योर इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे। ये जो है मेरी रोज़ाना लाइफ में, मेरी डेली लाइफ में, मेरी स्किन केयर में, तो मेरी स्किन केयर में यूज़ होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपनी बेबी के लिए भी यूज़ करती हूँ जो यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी हैं, तो मैं अभी आपसे वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये हिमालया का बेबी केयर पाउडर, बेबी पाउडर। मैं अपने बेबी के लिए यही यूज़ करती हूँ बेबी पाउडर, क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ है, हिमालया का प्रोडक्ट है, और इसे जो है आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो इचनेस होती है, रैशेस वगैरह हो जाती हैं, पसीना वगैरह निकलता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और ये क्लिनिकली टेस्टेड और हाइपो एलर्जिक है, जेंटल है, प्योर है, सेफ़ है, और मुझे हिमालया के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद, पैराबेन फ्री होते हैं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ों से फ्री होते हैं, तो हिमालय के प्रोडक्ट्स मैं बहुत पसंद करती हूँ अपनी बेबी के लिए। जॉनसन्स भी मैं यूज़ करती हूँ बट हिमालया में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये मेरी सेकंड बॉटल मेरी एम्प्टी हुई थी, मैंने सोचा मैं इसे प्रोडक्ट एम्प्टीज़ में रखूँ। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बहुत अच्छा आपको एक बॉडी वॉश यहाँ पे बताने वाली हूँ जो मेरा एम्प्टी हो चुका है। ये है बायोटिक का बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश, और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छा बॉडी वॉश ढूंढ रहे हैं जो ऑल सीजन्स के लिए, समर्स हो, विंटर्स हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, एक फ्रेश काइंड ऑफ फीलिंग मिले आपको, जिससे रेजुविनेटिंग फीलिंग मिले और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा हो, स्किन फ्रेंडली हो, सोप फ्री हो, और आयुर्वेदिक है, 100% सेफ प्रोडक्ट है ये, सो आप बायोटिक ज़रूर ट्राई करना। इसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करते थे, एंड आई थिंक हम इसे दूसरी बार भी परचेज़ ज़रूर करेंगे, ये हमारी फर्स्ट बॉटल थी। सो आई जस्ट रियली लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा बॉडी वॉश है बायोटिक का, और ये आपको ईजिली कहीं पर भी मिल जाएगा, ब्यूटी स्टोर में, ऑनलाइन कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है मैं अपने बेबी के लिए जो यूज़ करती थी, ये बॉडी वॉश मैं यूज़ करती थी, टॉप टू टो बॉडी वॉश, लेकिन मैं इससे इतनी हैप्पी नहीं हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो जॉनसन्स के आजकल बहुत ही सारी क्लेम्स हो रहे हैं, तो उसको सुन करना थोड़ा सा डर भी लगता है, और दूसरी बात यह है कि आसानी से धुलता नहीं है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगा ये, सो आई डोंट थिंक मैं इसे दूसरी बार परचेज़ करूँगी। 200 ml की ये क्वान्टिटी थी, और काफ़ी लंबा टाइम तक मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी लंबा चला थोड़ा सा लगता है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे दोबारा परचेज़ नहीं करना चाहिए, सो मे बी आई ट्राई द हिमालया वन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये है कोलगेट प्लाक्स, और ये माउथ वॉश है, और माउथ वॉश मेरे लिए इट्स अ मस्ट थिंग, आफ्टर माय ब्रश मैं माउथ वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और ये मेरी पता नहीं कितनी बॉटल है, मैंने बहुत सारी बॉटल्स एम्प्टी की हैं, एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर कोलगेट प्लाक्स, क्योंकि इससे जो है बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग कूलिंग फीलिंग आती है, सो इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं, मैं फ्लेवर्स बदल बदल के यूज़ करती हूँ, ये वाला भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं हिमालया का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट उसे ट्राई करना चाहती थी, दिस is a very nice mouthwash, so ये है कोलगेट प्लाक्स का mouthwash जो मेरा एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट जो है दोस्तों, इबा हलाल की तरफ से फेस ग्लो एक्सफोलिएटिंग वॉश है, एंड नाउ इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेस दोस्तों, और ये सिर्फ एक ग्लोइंग एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश ही नहीं है, ये एक मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करता है। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करता है, और बहुत आसानी से धुल जाता है, और इसे यूज़ करने के बाद में स्किन में जो है ना इमीडिएट शाइन और इमीडिएट ग्लो आती है। 95 rupees का ये आता है, एंड बहुत अच्छा है, इसे मैं रीपर्चेज ज़रूर करना चाहूँगी। तो इसमें है पोमोग्रेनेट, ग्रेप, और ये सारी फ्रूट्स वगैरह, जिससे जो है ना
स्किन बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाती है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है इससे, और बहुत ही रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग फील होता है, और मेकअप रिमूवर का भी ये काम करता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस वन। और नेक्स्ट जो है डेटॉल दोस्तों, डेटॉल भी ये डेली मैं रूटीन में इंक्लूड करना ज़रूर पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बॉडी हाइजीन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटॉल इज़ अ मस्ट फॉर मी, और ये मेरा ख़त्म हो चुका है, सो आई जस्ट लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट जो है डिप एंड ट्विस्ट का, दिस इज़ माई फेवरेट ब्लू हेवन का डिप एंड ट्विस्ट नेल पेंट रिमूवर। मैंने दूसरा ऑलरेडी परचेज कर लिया है, मेरी फर्स्ट बॉटल थी एंड ये बहुत लंबा चली दोस्तों, और ये बहुत अच्छा है दोस्तों। ये इतना अच्छा है कि आप कोई भी किसी भी तरह का नेल पेंट लगा लो, जेल नेल पेंट लगा लो, ग्लिटर नेल पेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये फट से उसे रिमूव कर देगा। एंड इसके लिए मैंने इसे रीपरचेज किया एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। आई एम डेफिनेटली रिकमेंड दिस, आप ज़रूर इसे यूज़ करें और बहुत लंबा टाइम चलेगा ये। नेक्स्ट मैंने बेबी के लिए यूज़ किया था पामर्स का कोको बटर बेबी वॉश। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द बॉडी वॉशेस जो मुझे बहुत पसंद आया। जेंटल है, बहुत आसानी से धुल जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती है इसकी भी, और टीयर फ्री फॉर्मूला है। एज़ यूजल बॉडी वॉशेस टीयर फ्री बेबी के लिए अच्छे होते हैं। जॉनसन्स भी टीयर फ्री फॉर्मूला है, बट मुझे कंपेयर टू दैट ये बहुत अच्छा लगा पामर्स का। एंड डेफिनेटली ये 50 ml का सैम्पल मुझे मिला था कहीं से, तो मैंने सैम्पल ही यूज़ किया, बट मैं डेफिनेटली इसे रिपर्चेज करना चाहूँगी कभी इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये है कैलेड्रल स्किन सूदिंग सॉल्यूशन। ये मुझे एक्चुअली रिसेंटली मैं इसे बहुत यूज़ करने लगी हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक स्किन एक्सपर्ट लोशन है। स्किन में कभी एलर्जी वगैरह हो जाती है, रैशेस वगैरह हो जाती है, आजकल समर में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड दिस वॉज रिकमेंडेड माई डॉक्टर, सो ये मेरा सेकेंड परचेज मैंने किया है। मेरी फर्स्ट बॉटल है जो ख़त्म हो गई, और मुझे बहुत हेल्पफुल थी ये, बहुत मेरी स्किन इशूज़ एलर्जी इशूज़ में बहुत मुझे काम आई। सो आई थोड़ा आई शेयर दिस, बट आप इसे ऐसे ही यूज़ मत करना, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही आप यूज़ करना, बिकॉज दिस वॉज रिकमेंडेड टू बी माई डॉक्टर। एक्चुअली ये लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली कैलामाइन लोशन, इट इज़ वेरी सेफ फॉर द स्किन। एंड ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत जो सेंसिटिव स्किन होती है स्पेशली, जिसमें रैशेज एलर्जीज वगैरह हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आई रियली रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, मैं सेकेंड टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ। ओके, अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इनवेदा का सनस्क्रीन है, SPF 30 है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन फ्रॉम नाउ। ये मुझे मिला था बहुत पहले मेरी लेडी रागा बैग में, और इसे मैंने भरपूर यूज़ किया। बहुत ही कूलिंग रिफ्रेशिंग सनस्क्रीन है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और इनवेदा का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। और अगर कभी मुझे मौका मिले इसे खरीदने का, तो मैं ज़रूर इसे खरीदूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन मुझे लगा। नेक्स्ट जो है वैसलीन का, मैंने एक छोटू सा पैक लिया था, ट्रैवल फ्रेंडली है तो ट्रैवलिंग पर्पसेस मैंने लिया था। और वैसलीन का ये हेल्दी वाइट मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, दूसरा आई थिंक ये मेरा चौथा है, पांचवा परचेज होगा। तो छोटू सा पैक था ये, बहुत अच्छा, मतलब मेरी जो स्किन है, मेरी थोड़ी सी ऑयली सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन है, तो मेरी स्किन के लिए बहुत सूट करता है ये पिंक वाली बॉटल। सो मैं हमेशा ऐसे ही रीपर्चेज करती हूँ, आई रियली लाइक दिस वन। सो ये छोटू सा बॉटल था जो मैंने ख़त्म किया। सो ये मैंने लिया था दोस्तों ADS का मेकअप रिमूवर, और मैं कहना चाहती हूँ कि इससे मैं उतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि ये उतना एफिशिएंटली ये मेकअप रिमूव नहीं करता है। दिस इज़ अ ओके ओके काइंड ऑफ मेकअप रिमूवर। सो ये मैंने एम्प्टी किया है, बट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई द गार्नियर का मेकअप रिमूवर। अभी तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ या मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए, जो मुझे सही लगता है, या फिर कोई एक फेस वॉश जिससे मेकअप इजीली रिमूव हो जाए, ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट ये ADS का आई डोंट थिंक आई रिपर्चेज इट अगेन। नेक्स्ट जो है दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट दोस्तों, ये मुझे आई थिंक मेरे फैब बैग में आया था, मेरी किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आया था। जस्ट हर्ब्स का ये लाइवली क्लीन हनी एक्सफोलिएटिंग फेस क्लेंजिंग जेल है, और इसे भी मैं दोस्तों मैं डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी, इसे मैं डेफिनेटली रीपर्चेज करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत सूट किया, बहुत ही जो है रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है ये। इसमें होता है हनी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और छोटे छोटे इसमें जो बीड्स होते हैं जिससे क्लेंजिंग अच्छे से हो जाती है, और जस्ट हर्ब्स का प्रोडक्ट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया और काफ़ी टाइम तक मैंने इसे चलाया एंड बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो इस प्रोडक्ट को मैं एक्चुअली रीपर्चेज करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है मेरे पास एम्प्टीज में। नेक्स्ट जो है पी सेफ का, ये भी मुझे किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आया था दोस्तों, एंड दिस इज़ एन ऑसम प्रोडक्ट, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे है, और ये मैंने बहुत भरपूर यूज़ किया है, इसे भी मैं डेफिनेटली रीपर्चेज करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा हाइजीन प्रोडक्ट है दोस्तों,
और इसे मैं डेफिनेटली रीपर्चेज करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है पी सेफ की तरफ से ये, और इसे मैं दोस्तों यूज़ करती थी काफ़ी बार, जैसे वॉशरूम में टॉयलेट सीट इस्तेमाल करने से पहले या फिर वॉशरूम में जैसे स्मेल आ जाती है, ओडर आ जाती है, तो इसे मैं जो स्प्रे कर देती थी और वॉशरूम बिल्कुल एकदम से महकने लगता था। सो आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये है मेरा लैविश का बाथ एसेंशियल्स हैंडमेड लग्जूरियस सोप। ये मुझे पॉशल सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आया था और ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इस काइंड का मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, चॉकलेट सोप था ये, और बहुत मज़ा आया इसे यूज़ करते हुए। इट्स इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा, स्किन को एकदम यू नो सॉफ्ट सपल और बहुत अच्छे से क्लेंजिंग हो जाती थी स्किन की, और इसे एज ए मैं फेस वॉश भी मैं इसे यूज़ करती थी। सो आई रियली एन्जॉयड यूजिंग दिस, और इसकी खुशबू बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही नाइस खुशबू थी। सो वेरी नाइस प्रोडक्ट फ्रॉम लैविश। नेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया दोस्तों, ये भी मुझे मेरी किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आया था। अगेन ये जस्ट हर्ब्स का प्रोडक्ट है और ये एलोवेरा जेल है जो मैंने यूज़ किया, एंड ये सिंपल सा एलोवेरा जेल है, बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है ये। और इसे मैं नॉर्मली अपने फेस के लिए यूज़ करती थी, अपने स्किन के लिए यूज़ करती थी, और काफ़ी जो है कूलिंग फील, और काफ़ी जो है कूलिंग फीलिंग मिलती थी मुझे इससे। सो ये भी मैं जस्ट हर्ब्स का मैं डेफिनेटली प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट हर्ब्स के। एंड फेस वॉश इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट फेवरेट। सो दीज आर ऑल माई प्रोडक्ट्स दोस्तों, जो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी रोज़ाना स्किन केयर बॉडी केयर में, और मैंने आपसे शेयर किया मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़, और छोटा सा मैंने रिव्यू भी दे दिया यहाँ पे। एंड पहली बार की है प्रोडक्ट एम्प्टीज़, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं यूज़ किए तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना अपनी थाट्स। एंड तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। मेरी चैनल में ओपन गिव अवे चल रहा है, सो आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। प्लीज़ टू पार्टिसिपेट, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियोज़, लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। बस सो करती हूँ यहीं पे वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।